हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। और आज के एपिसोड में हम ऐसा काम करने वाले हैं जो कि आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया, मतलब कभी भी नहीं। तो जी हाँ, आपने थंबनेल देख के और टाइटल देख के बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। आज हम बनाने वाले हैं एक्सपी फॉर्म। ये ओके, तो एक्सपी फॉर्म बनाने वाले हैं आज। आज मैं वैसे इंचाइनमेंट टेबल और इंचाइनमेंट रूम बनाने वाला था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि इंचाइनमेंट करने के लिए हमको एक्सपी की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले हमें एक्सपी फॉर्म बनाना चाहिए। तो यस, आज हम बनाने वाले हैं एक्सपी फॉर्म, और वही पुराना एक्सपी फॉर्म आज बनाने वाले हैं जो कि सदियों से चला आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि आगे कितनी सदियों तक ऐसा ही चलता रहेगा जब तक कोई नया टेक्निक नहीं आ जाती एक्सपी गेन करने की। तो यस, तब तक चलते हैं एक्सपी फॉर्म बनाने, लेट्स गो। ओके, तो यहाँ पे क्रिसमस का कुछ अपडेट आया है, तो सारी चेस्ट वगैरह थोड़ा क्रिसमस की गिफ्ट की तरह है, जो छोटी चेस्ट है वो रेड चेस्ट गिफ्ट की तरह है, और ग्रीन वाली है बड़ी चेस्ट की तरह। तो बहुत सही है, बट आई थिंक और कुछ चेंज तो हुआ नहीं है यहाँ पे, सारा तो सेम ही है। तो ठीक है, चलते हैं। एक्सपी फार्म बनाने के लिए हमको चाहिए बहुत ज़्यादा ही कबल स्टोन, मतलब कुछ ज़्यादा ही। तो पहले फटाफट मैं माइनिंग में जाता हूँ और लेके आता हूँ, तब तक ये देखो जो हाथ। डायमंड ही मिल जाता तो दिल ही खुश हो जाता, और एक और मैं मस्त पिकैक्स वगैरह कुछ बना लेता, बट नहीं, उनको कहाँ मिलती है चीज़ें। ओह फक, डायमंड भाई, मैं भी यही कह रहा था कि भाई मुझे कहाँ मिलती है ऐसी चीज़ें, भाई मेरे को डायमंड मिल गया, लॉल। भाई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको निकालो, मेरे पास टॉर्चेस नहीं है। ओके लेट्स गो, अनदर स्टैक ऑफ डायमंड। कुछ तो है, मतलब ये दो, बस दो। आर यू सीरियस भाई, क्यों भाई मेरे साथ ऐसा क्यों। ओ नहीं 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 दो नहीं, दो नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। अबे ये कैसे रहा, ये ऐसे कैसे है भाई। हेलो, वो तीन नीचे हैं भाई, मजा आ गया भाई। और भी है क्या, नहीं चल खोल देते भाई इनको। चार है चार है चार है, ठीक है ठीक है ठीक है। छह भाई, छह डायमंड मिल गया भाई, छह डायमंड। भाई तुमने देखा क्या भाई, मैं भी ये देखो भाई, तुम ये देखो, मैं पीछे से हर जहाँ पे टॉर्च है ना, वहाँ उसके आगे मैं माइनिंग करता रहा, क्योंकि मेरे पास टॉर्च नहीं है। लॉल, मैं ऐसे रैंडमली इधर ही कर रहा था, मैंने कहा सब कुछ मिल जाएगा, बस मुझे डायमंड भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने कहा, लेपिस लजुली के पीछे डायमंड था भाई, पर आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं। जब मेरे पास टॉर्च आएगी मैं दोबारा आगे माइनिंग करूँगा यहाँ पर। तो मैं कोबल स्टोन के लिए आया था, काफ़ी हो गए, एक दो तीन चार पाँच, 5.5-6 स्टैक हो गए कोबल स्टोन। लेकिन अभी मुझे लग रहा है, क्या पता मेरे को और डायमंड मिल जाए, क्योंकि बहुत सही ब्रो, बहुत सही बहुत सही, एक और डायमंड मिल गया भाई। दो तीन चार पाँच भाई, पाँच डायमंड, एक और भाई, नशे हो गए भाई आज। ये देखो भाई, मैं बहुत स्ट्रिप माइनिंग बोलते हैं जैसे, आई थिंक वही कर रहा हूँ मैं हर जहाँ पे लाइट्स लगा रखी है मैंने, पहले लगाई थी, उसके आगे आगे माइन कहाँ गया, अच्छा हाँ इधर माइन करते जा रहा हूँ, और मुझे डायमंड मिलते जा रहे हैं भाई। लॉ भाई, बहुत सही चीज़ है भाई ये। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम यही करो माइनिंग। आई हैव 11 डायमंड्स नाउ, मज़ा आ गया भाई आज। मैं कोबल स्टोन के लिए आया था, सबसे पहले मुझे कोल नहीं मिल रहा था, तो मैं कोल लेने आया था, बट फिर मेरे को कोल मिल गया, नहीं फिर पहले मुझे डायमंड मिले, फिर डायमंड उसके बाद मेरे को कोल मिल गया, देन अगेन डायमंड, भाई मज़ा आया भाई। ठीक है, इनको बाद में खो दूंगा, पहले आगे चलते हैं, क्या पता आगे कहीं और भी हो। ओके, तो मैं आ चुका अपने घर पे, मेरे सारे कलेक्ट कर लिए अपना सामान, जिससे मैं अपना वो बनाऊंगा, अपना जिससे मैं अपना एक्सपी फार्म बनाने वाला हूँ। एक्सपी फार्म बनाने के लिए बहुत सारे कोबल स्टोन रख लिए मैंने यहाँ पे, तो ठीक है ले जाते हैं यहाँ पे, ऊपर चलते हैं अपने साथ में, ले जाते हैं सब कुछ। एक चेस्ट रखते हैं बाहर पर जहाँ पर हमको एक्सपी फार्म बनाना है। मुझे बहुत सारे ट्रैप डोर्स भी चाहिए, जो अभी नहीं है मेरे पास, मैं लाऊँगा थोड़ी देर में। टॉर्चेज हैं मेरे पास, तो चलो चलते हैं एक्सपी फार्म बनाने, जगह ढूंढते हैं सबसे पहले एक्सपी फार्म बनाने की। आई थिंक कहाँ पे बनाया जाए यार एक्सपी फार्म, देखो तो इधर की तरफ देखते हैं, इधर की तरफ कुछ ना कुछ पक्का होगा जगह। यहाँ पे बनाया जाए, यहाँ पे सही लगेगा, तो ठीक है थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ा इसको बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन पानी के बगल में क्या काम करेगा ना, तो ठीक है इतना बहुत है,
एक्सपी में बनाने का हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल 3x3 का एक वो बनाना है प्लेटफॉर्म, मतलब 4x4 का प्लेटफॉर्म बनाना है, 4x4 का प्लेटफॉर्म बन गया। अब इनको बस केवल ऊपर ले जाना है, ठीक है। अब इसको केवल 21 हाइट पे ले जाना है, तो 2 हाइट ही हो गई। तो ठीक है, वापस चलते हैं अपने काम की तरफ। पहले एक बकेट पे पानी भर लेते हैं, ताकि अगर कभी जंप मारना पड़े तो सबसे पहले तो यहाँ पे पानी रखता हूँ, उसके बाद अपने पास भी ले जा लेता हूँ भाई, काम आएगा। अब यहाँ से हमको केवल सात सात ब्लॉक्स पीछे जाना है, जैसे 1 2 तो ये बन चुका है, कुछ कुछ ऐसा ही बनेगा चारों तरफ से। अब इसको हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल अब जितना भी ये एरिया खाली दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा भर देना है भाई इजीली। वैसे मुझे पता है सब लोगों को ज़्यादातर पता ही होगा कि ये कैसे बनता है, बट जिसको नहीं पता है वो मैं उनके लिए है स्पेशली। बाकी तो थोड़ा स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, जिनको जिनको पता है। ठीक है, ये पू हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमको बनानी है केवल इसकी छत, तो जरा इनको हटा देते हैं सामान को, 1 मिनट रुको। मैंने यहाँ पे बेड स्पॉन करके स्पॉन पॉइंट सेट कर लेते हैं। आई थिंक इससे बनेगी नहीं छत हमारी पूरी, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, जितनी बनेगी देखते हैं। तो ठीक है, इतना ही बन पाया है, कोबलस्टोन ख़त्म हो गए मेरे। तो ठीक है, दोबारा जाऊंगा माइनिंग पे, चलते हैं माइनिंग पे और उसके बाद लाते हैं थोड़ा और कोबलस्टोन। तो ठीक है, इसका काम कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी देर टॉर्चेस लगा लेते हैं, ताकि रात को ऊपर कोई स्पॉन ना हो। टॉर्चेस शायद मेरे पास कम पड़ेंगी, हाँ कम है भाई टॉर्चेस कम। ठीक है कोई बात नहीं, नीचे से निकाल लेंगे, उसमें क्या है। बस मेरे को रास्ता चाहिए, मेरे को नीचे से जाने, नीचे जाने। हाँ ये रहा, ओके चल। अच्छा ओके सॉरी, ये भी तोड़ना पड़ेगा क्या। ठीक है, 2 4 टॉर्चेस यहाँ से निकाल लेते हैं। मेरे ट्रैप डोर्स, अच्छा ये रहा। ठीक है पहले एक काम करते हैं, ट्रैप डोर्स ही लगा लेते हैं। तो आई थिंक मैंने सब जगह लगा दिए, तो इधर भी लगा देते हैं यार। मुझे नहीं पता इसका काम हो, यहाँ पीछे लगते हैं कि नहीं लगते, बट कोई बात नहीं, जब हैं अपने पास तो लगाने में क्या दिक्कत है। मैंने तो बहुत ही लगा दिए भाई। तो ठीक है, पूरे लग चुके हैं ट्रैप डोर्स। अब आता है काम पानी का। तो पानी के लिए यार कितने 2 बकेट्स चाहिए ना। ओ भाई नहीं, नीचे जॉम्बी है भाई, यार कैसे जाऊँ यार, आई मीन क्रीपर है भाई नीचे, नीचे जैसे जाऊँगा वो फट जाएगा भाई। मेरे पास वो है क्या भाई, मेरे पास तो बो एंड एरो भी नहीं है भाई, मेरे पास था बट मैंने ओ ठीक है ठीक है ठीक है, वो जा रहा है दूर जा रहा है, बस मुझे देखना दे भाई। आई थिंक वो देख सकता है क्या, नहीं देख सकता भाई, मेरे को भागना पड़ेगा भाई, लेकिन मेरा पूरा घर खराब। ओ मैं गिर गया,
बच गया। नहीं भाई फट गया, फट गया भाई। नहीं यार नहीं, इतनी इतनी वो की थी मैंने प्लानिंग कि भाई कैसे ये फटे ना भाई, ये फट ही गया भाई। चलो कोई बात नहीं, जब फट ही गया तो अब क्या ही कर सकते हैं। थोड़ा इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है ये बंद हो गया। अब इधर डर्ट लगानी पड़ेगी यार, मेरे पास डर्ट है क्या इतनी? लस्सी भाई, भाई इतनी मैंने मिन्नत की थी भाई कि ना फटे, बट फट ही गया भाई। डर्ट डर्ट, अरे बहुत डर्ट है भाई अपने पास। चलो डिजाइन भी बना सकता हूँ मैं तो इससे। यार कुछ करना पड़ेगा क्रीपर व्रीपर का। मैंने इधर लाइट्स नहीं लगा रखी है ना? अरे हाँ इसीलिए तो भाई, दो ही बची हैं, यही लगा ले भाई तू। ठीक है डर्ट कहाँ है? पूरा भर दूंगा ताकि कोई नीचे स्पॉन ना हो भाई। ठीक है ये काम हो गया, चलते हैं अपने मेन काम की तरफ जो है पानी। एक और बकेट बनानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि कौन बार बार पानी लाएगा। ऊपर ही एक अनलिमिटेड सोर्स कुछ ऐसा बन जाता है। ओह है मेरे पास एक और बकेट, नाइस। मुझे लगा मेरे को बनानी पड़ेगी। ठीक है लेट्स गो, खुल जा मेरे पाई। भाई यार ये गेट ना भाई मैं तोड़ दूंगा किसी तरह से, तमीज से खुलते नहीं है भाई। ठीक है लेट्स गो, अगेन चलते हैं ऊपर के। अरे यार मेरे, अच्छा लैडर्स टूट गई थी ना वहाँ पे। ठीक है मेरे पास है, लेट्स गो स्ट्रेट चलते भाई। टेढ़ा मेढ़ा अलग ही चल रहा होता है। ठीक है यहाँ पे एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ वाटर बनाते हैं। कोई आता तो नहीं बनाना, लेकिन लस्सी क्या पता बन जाए। मैंने देखा है मतलब दो इसको बन गया क्या? हाँ बन। अरे व्हाट द हेक, सीधे रखते ही बन गया भाई, ये भी सही है यार। ठीक है टॉर्चेस सारी नीचे चल जाएंगे, कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो। ठीक आ रहा है ना? ओके नाइस। क्या था भाई? हेलो, अच्छा वो रहा रास्ता। ठीक है वहाँ से रास्ता है ना। ठीक है एक काम करते हैं, पहले तो इसको तोड़ लेते हैं। इस पे हम ये लगा देते हैं, तो ये अपना इनफाइनाइट सोर्स ऑफ वाटर तो यहीं पे हो गया ख़त्म। और इसको भी निकाल लेते हैं, फटाफट से निकाल लेंगे। अरे ये इनको नहीं निकाला है क्या मैंने अब तक? देखो उधर भी करना है भाई ये भी काम। और भाई यहाँ भी नहीं लगाया यार, अभी हम कच्चे मिस्त्री लग रहे हैं हम। अरे ठीक है इसे ऐसे कर लेते हैं भाई। ठीक है इनको खोल लेते हैं। कहाँ पे था यार वो? अच्छा ये है ना, ठीक है तो इसको भी हम खोल देते हैं ताकि नीचे गिरे जरा ज़ॉम्बीज वगैरह। वो भाई नीचे बहुत अंधेरा है भाई। अच्छा अरे भाई नीचे तो मैंने खोला ही नहीं ना। इसको भी तोड़ लेते हैं। अरे अभी तो सारी टॉर्चेस वगैरह निकालनी है भाई, अभी बहुत काम है, बहुत काम है। ठीक है पहले तो यहाँ की टॉर्चेस निकाल लेता हूँ भाई। अगर अच्छे से काम किया तो जैसे ही मैं टॉर्चेस सारी हटा दूँगा, 24 उसी समय से स्पॉन होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर होना तो ऐसे ही चाहिए, बाकी अब देखते हैं। अरे भाई ये क्या लगता है बीच बीच में, थोड़ा खुलो जरा, बंद हो जाओ। मुझे पता नहीं यार, शायद ट्रैप डोर का यूज़ करते हैं या नहीं करते, करना तो चाहिए। मतलब वैसे तो साइन बोर्ड का यूज़ करते हैं। पहले बेड तोड़ लेता हूँ। अरे यार रुको रुको रुको, किधर? अच्छा वो है ना, ठीक है उधर जाना है। ओके मेरे को नहीं दिख रहा है कुछ, हाँ लेकिन मेरे को जगह दिख गई है जाने की। चलो नीचे, अरे चल ना भाई। भाई मैं नीचे नहीं जा पा रहा भाई, मैं नूब हूँ भाई। शिफ्ट से जाते ही नीचे, भाई नीचे क्यों नहीं जा रहा है? हेलो हाँ अब जाएगा ना, अब ठीक है। अरे चल, ओ नहीं 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 नहीं, मरना भाई मरना भाई प्लीज मरना भाई। कितने खाएगा भाई पिकैक्स? फाइनली मर गया। ठीक है पहले मैं सो के आता हूँ भाई, नहीं तो रात तुम्हें मर जाएगा इधर। अरे भाई क्या,
भाई मैंने सारा वैसे ख़राब कर दिया ऊपर से, पर कोई बात नहीं, मैं उसको बना लूँगा ठीक से दोबारा। ओके शुक्र है मैं बेड नीचे ले आया था उस टाइम, मैं को भूल के ना जाऊँ। सो तो जाते हैं फटाफट से। ओके बच गया बच गया, अभी तो बच गया। मेरे पे एक तीर लग रखा है भाई, लॉल मेरे पे एक तीर लग रखा है। ठीक है चलते हैं, देखते हैं कोई आया है क्या वहाँ से। अरे यार अब वहाँ जाने के लिए मुझको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। पहले तो एक काम करो, और देख ठीक है, ये स्केलेटन की आवाज़ आ रही है कहीं से, आई थिंक वो ऊपर ही है। ठीक है मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी। ओह पानी बंद हो गया भाई। ठीक है मैं धीरे धीरे पानी के साथ ही नीचे जा रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, मरेगा तो नहीं एटलीस्ट अपन। हो गया है क्या पानी बंद? ठीक है वहाँ पे भी सही लग रहा है। अब थोड़ा एक, ओ अंदर अंदर एक स्केलेटन जल्दी आ गया भाई लाल। अरे अभी नहीं आना था भाई तूने, रुक जाना भाई। मेरे पास तलवार तो है बट तो को रुको रुको, मैंने इधर पानी लगाया था ना पहले पहले उसी। ठीक है फटाफट 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 वैसे नहीं। ठीक है अब ठीक है। ओ अब बहुत कुछ मिल गया भाई, क्या बात है। और क्यों नहीं आ रहे भाई, आने चाहिए अब तक तो। यार आने तो चाहिए भाई, क्यों नहीं आ रहे भाई। हेलो ठीक है मैं एक बार ऊपर जाके देखता हूँ कुछ आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही। अगर जॉम्बीज वगैरह की आवाज़ें आ रही होंगी तो यार करना तो चाहिए था यार काम। थोड़ा इसको तोड़ लेता हूँ तब तक। ठीक है आवाज़ें तो आ रही है मुझे, एक मुझे उसकी आवाज़ आ गई है, स्पाइडर की आवाज़ आई मुझे। बट स्पाइडर तो यार कूदती नहीं नीचे, वो इसके ऊपर चले जाती, तो स्पाइडर का तो कुछ काम ही नहीं है। यार यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? मैंने सब कुछ तो सही किया था यार आई थिंक। ओह फक, मैं नूब रे, आई डोंट नो मैंने क्या गड़बड़ की है भाई, लेकिन बनाया तो मैंने सही था। ठीक है इसको भी तोड़ लेता हूँ तब तक। एक मतलब एक तो स्पॉन हुआ है, मतलब सही है, काम तो सही कर रहा है, बट इतने कम स्पॉन क्यों हो रहे हैं भाई। ओके ओके ओके, यहाँ पे दो स्केलेटन आई थिंक, तीन या दो स्केलेटन तो स्पॉन हुए हैं। वो एक पास इंचेंटेड बो भी है। ओके मिला क्या मुझे बो? नहीं नहीं मिला भाई, लेकिन कोई बात नहीं। अरे यार मेरे को पिकैक्स, ओ एक और आ गया, एक और आ गया, कोई तो आया। एक और स्केलेटन लाइस। अरे स्केलेटन वगैरह क्यों आ रहे हैं भाई, क्रीपर नहीं आ रहा है क्या? रुको तो एक मिनट मैं एक पिकैक्स लेके आता हूँ मेरे को कुछ। ठीक है थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा है, मतलब सही लगा मुझे देख के। ओ फक, थोड़ा सा सही लगा मेरे को देख के कि चलो कम से कम कुछ तो काम कर रहा है। बट कुछ अगर अच्छे से काम, जैसे स्काई ब्लॉक होता है ना, उसमें बहुत सही काम करते हैं यार ये चीज़। मेन वर्ल्ड में जितना अच्छा काम नहीं करता जितना अच्छे स्काई ब्लॉक में करता है ये। इसको भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक है एक और एरो है बट कोई बात नहीं, इधर से आएगा क्या वो? हाँ इधर से पिक हो गया भाई लॉल। अरे यार नहीं आ रहा यार, इतने अच्छे काम नहीं कर रहा है भाई ये, बट ठीक है फिर भी डिसेंट काम कर रहा है। एक्सपी तो मेरी 25 है, मुझे लगता नहीं कि एक्सपी फार्म मेरे किसी भी एक्सपी के काम आने वाला है। मुश्किल से एक या दो एक्सपी बढ़ाएगा ये कभी जवानों में, अगर बढ़ाएगा तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है आज का मेरा टास्क कंप्लीट हुआ जो कि था एक्सपी फार्म बनाना। आज पूरे पूरे एपिसोड में मैंने माइनिंग की है। 12 डायमंड्स मुझे मिले, 11 डायमंड मुझे मिले हैं, एक पहले से था मेरे पास। आयरन मुझे ऑलमोस्ट एक स्टैग मिला था, मैंने काफ़ी वेस्ट कर दिया। आई थिंक इधर अंदर होगा और आयरन। हाँ और मुझे गोल्ड भी मिला है थोड़ा, मैंने ये खाने का प्रबंध कर लिया था तो एक। ओके एक स्टैग से थोड़ा सा कम है, मेरा गोल्ड इधर पड़ा था कहीं, अरे कहाँ गया ये रहा, तो इसको भी इधर ही रख लेते हैं। तो गोल्ड 21 हो गए मेरे पास। नेक्स्ट एपिसोड में मे बी आई थिंक मैं रेल ट्रैक बनाने वाला हूँ यहाँ से लेके अपनी माइन तक, ताकि मेरे को बार बार चल के ना जाना पड़े, थोड़ा चल के जाना थोड़ा बोर सा हो जाता है। ओके तो मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।